अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता धर्मेंद्र ने खूब लोकप्रियता बटोरी है और उन्हें इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान धर्मेंद्र ने खूब लोकप्रियता हासिल की, साथ ही उन्होंने कई सारी बड़ी सुर्खियों को भी जन्म दिया। धर्मेंद्र इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे हुआ करते थे, लेकिन वो अपने कई सारी गंदी हरकतों के चलते काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुके हैं। फिल्म की शूटिंग सेट पर वो कभी भी दारू पीने लग जाते थे और कोई भी उन पर अगर रोक टोक लगाता तो उनकी पिटाई भी किया करते थे। धर्मेंद्र की यही हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और उस जमाने में अपनी शराब पीने की लत को लेकर काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुके थे, लेकिन उनकी डिमांड हुआ करती थी। तभी तो निर्माता निर्देशक उनकी इस खराब आदत के बावजूद उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट किया करते थे। लेकिन धर्मेंद्र को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में अगर मैं आपसे ये कहूं कि फिल्मों में विलन को उठा उठा कर पटकने वाले धर्मेंद्र अजय देवगन की सास से थप्पड़ खा चुके हैं तो शायद ये आपको सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। धर्मेंद्र की एक गंदी हरकत की वजह से अजय देवगन की सास ने उन्हें सरेआम थप्पड़ रसीद कर दिया था और ये दिलचस्प किस्सा इन दोनों काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। अब अजय देवगन और काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की बेस्ट कपल में से एक मानी जाती है। इन दोनों का मिलन 24 फरवरी 1999 को संपन्न हुआ था और ये शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। अब अजय देवगन और काजोल को लेकर सुर्खियां तो हमेशा से छाई रहती हैं, लेकिन काजोल की मां तनुजा भी जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि तनुजा फिल्म प्रोड्यूसर कुमार सेन सामर्थ और शोभना सामर्थ की बेटी है, जिनको एक्टिंग विरासत में मिली थी। अपनी बहन नूतन के बाद उन्होंने भी अपना करियर फिल्मों में बनाने का सोचा और उन्होंने बतौर हीरोइन बनने के लिए महज 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और फिल्मों में आकर इन्होंने लोकप्रियता भी बटोरी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि तनुजा और धर्मेंद्र से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा रहा है जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि तनुजा और धर्मेंद्र ने एक साथ कुछ फिल्मों में काम भी किया है और धर्मेंद्र के लिए फेमस था कि सेट पर हीरोइनों के साथ वो छेड़छाड़ और मस्ती मजाक किया करते थे। कई बार धर्मेंद्र की यही हरकतें एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा बुरी भी लगती थी और यही बात तनुजा के साथ भी हुई। बात है 1965 की, जब तनुजा और धर्मेंद्र फिल्म चांद और सूरज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि तनुजा ने गुस्से में आकर धर्मेंद्र को थप्पड़ रसीद कर दिया और इस बात का खुलासा 2014 के एक पुराने इंटरव्यू के दौरान तनुजा ने खुद ही शेयर किया था। इस इंटरव्यू में तनुजा ने बताया था कि धर्मेंद्र और मैं दोस्तों के साथ बैठकर पी रहे थे और खूब मस्ती मजाक भी कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी प्रकाश कौर से भी मिलवाया था। एक दिन उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। अब धर्मेंद्र की हरकत से तनुजा इस कदर हैरान रह गई थी कि उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। तनुजा ने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने धर्मेंद्र से कहा था कि तुम्हारी पत्नी को मैं जानती हूँ और तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इसके बाद जब धर्मेंद्र ने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे। शर्मिंदा होने के बाद धर्मेंद्र ने उस दौरान तनुजा से कहा था कि मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। तो दोस्तों, ये था वो दिलचस्प किस्सा जहाँ पर धर्मेंद्र नशे की हालत में अजय देवगन की सास के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय देवगन की सास ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर तनुजा के अगर फिल्मी सफर की बात करें तो तनुजा को अपने शुरुआती करियर में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। इसकी वजह यह थी कि उनकी माँ और बहन पहले से इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुकी थी। उन्हें छबीली फिल्म से उनकी माँ शोभना सामर्थ ने लॉन्च किया था और उसके बाद वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनी। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा बहुत ज्यादा नखरे भी दिखाती थी और इसके लिए वो काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुकी थी। बताया जाता है कि एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें रोने का सीन देना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर डायरेक्टर केदार शर्मा ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया था।